केसीआर ने तोड़ा नीतीश के पीएम बनने का सपना। पटना में आकर नीतीश को टोपी पहना गए तेलंगाना के सीएम। पीएम उम्मीदवारी पर नीतीश को नहीं दिया समर्थन। पत्रकार वार्ता में नीतीश का कुर्ता खींचा, हाथ खींचा। नीतीश कुमार का दिल अब पटना में नहीं लग रहा है, वो दिल्ली की राजनीति करने के सपने देखने लगे हैं। निशाने पर पीएम की कुर्सी है। 2024 में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए वो अभी से मोहरे सेट कर रहे हैं। आरजेडी को तो वो साथ चुके हैं। आरजेडी का हर नेता भी ऐलान कर रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना है, उन्हें पीएम बनाना है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव को साधने की जिम्मेदारी लालू यादव ने उठा ली है। लालू यादव और मुलायम सिंह के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए अखिलेश भले ही पीएम पद पर नीतीश के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश ये मानकर चल रहे हैं कि सपा का समर्थन उन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा ड्रामा तब देखने को मिला जब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पटना पहुंचे। नीतीश कुमार ने उनका जबरदस्त स्वागत किया, पीएम बनने की अपने दिल की इच्छा का संकेत भी उन्हें दे दिया, लेकिन केसीआर ने नीतीश के नाम का समर्थन करने से इनकार कर दिया। दरअसल पत्रकार वार्ता में जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष का महागठबंधन बनेगा तो उसका नेता कौन होगा, सवाल सुनते ही नीतीश कुमार कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। लेकिन नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि केसीआर उनका समर्थन कर देंगे, पत्रकारों के बीच ये ऐलान कर देंगे कि चुनाव में हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। बिहार बीजेपी के एक नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि यह सवाल नीतीश कुमार के इशारे पर ही पूछा गया था, जिससे पत्रकारों के सामने केसीआर अपने समर्थन का ऐलान कर दें और फिर दूसरे दलों को भी वो आसानी से अपने पाले में ले आएं। केसीआर ने नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई तो बताया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे बड़े भाई के सपने पूरे हो सके, उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सके। नीतीश सवाल के जवाब में खड़े थे, केसीआर से समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन केसीआर ने उनका कुर्ता पकड़कर खींचा और कहा बैठ जाइए। नीतीश हैरान थे, हैरान क्या, ये मानिए असहज हो गए, वो बैठने को तैयार नहीं थे। केसीआर कभी उनका हाथ पकड़ते, कभी कुर्ता बार बार उनसे बैठने की बात करते, लेकिन नीतीश बैठने को तैयार ही नहीं दिख रहे थे। केसीआर से समर्थन नहीं मिला तो नीतीश ने सवाल को ही टालने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब केसीआर ने दे दिया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के विरोध में फ्रंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो दल साथ आएंगे हम सब बैठकर तय करेंगे, जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से ही होगा, जैसे ही इस बारे में फैसला हो जाएगा हम आपको बता देंगे। केसीआर ने कहा कि अभी नेता पद पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन इस बात पर सहमति जरूर बन गई है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है। केसीआर ने नीतीश कुमार को उत्तम नेता बताया। उत्तम नेता वो कई लोगों कह चुके हैं, केसीआर की नजर में ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन भी उत्तम नेता हैं। उस लिस्ट में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। केसीआर बोल रहे थे तो उनसे ही सवाल हो गया कि हर चुनाव में पहले थर्ड फ्रंट बनता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा? केसीआर कुछ बोलते उससे पहले नीतीश ने सवाल का जवाब दे दिया कि थर्ड फ्रंट नहीं, हमारा पहला फ्रंट होगा। केसीआर पीएम पद के सवालों को जितना टालने की कोशिश कर रहे थे, पत्रकार उसी सवाल को लेकर नीतीश को घेरने में जुटे थे। जब नीतीश ने खुद को घेरते देखा तो उन्होंने पत्रकार वार्ता ही समाप्त करने का ऐलान कर दिया। नीतीश ने केसीआर से कहा कि आप उठिए चलिए, इन लोगों को 50 मिनट का समय दे दिया है, कब तक यहाँ बैठे रहिएगा, चलिए। साफ है केसीआर ने तो कह दिया कि उनके बड़े भाई नीतीश कुमार उत्तम नेता हैं, लेकिन फिलहाल वो पीएम उम्मीदवार भी होंगे अभी तक नहीं बता सकते। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने किसी भी नेता को उत्तम नेता नहीं माना है, क्योंकि वो खुद ही पीएम उम्मीदवारी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वैसे पीएम बनने के सपने तो केसीआर भी देख रहे हैं, ऐसे में सवाल पीएम उम्मीदवार को लेकर इस मोर्चे का हाल भी पुराने मोर्चे जैसा ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।